I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. बंदा बड़ा चला के चल पीछे भाग रहा फिर फेंक ए ए ए चल दे 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 इधर नहीं बना संतान भी अपना फिर होता कोई मत मार मेरा मित्र को पकड़ पकड़ ले ले पकड़ पकड़ मार 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 जी जी वसीम भाई जी इधर ही हूँ बकरियों के साथ। देखा हमें बकरियां बोल रहे हैं। चुप रह। हाँ अच्छा हाँ 5 5 1 0 1 6 जी ठीक है। अब बोल भी दे तू जहाँ सुखा के बैठा हुआ है क्या बोल दिया तेरे भाई ने ऐसा। बारहवीं का रिजल्ट आया है टेंशन तो होती है यार। तू तो कहता था मेरे 70-80% पेपर होते हैं फिर इतना स्यापा डाल के क्यों बैठा हुआ है। पेपर तो अच्छे हुए हैं तो यार इतनी टेंशन हो रही है फिर भी डर तो लगता है ना। जी वसीम भाई। अच्छा ठीक है कोई नहीं भाई होता है सबके साथ हुआ तेरे साथ थोड़ी हुआ। किसने मेहनत नहीं किया सबने मेहनत की इसने मेहनत की पूरी साल साल भर पढ़ता रहा हर रात पढ़ता था। और ये देखो ये वापस नहीं हुआ कितनी मेहनत की इसने और इसको देख ले 3 साल फेल हुआ लगा रहा इतना भी लगा हुआ। अब मुझे देख लो तू कितने करता था 70% 80% मैं 100-150 छाप के था उधर कर के आता था पूरा नहीं हुआ पास। और मुझे लगता ना हमारे स्कूल की किताबों में ही कुछ गड़बड़ी है तो ये जो मास्टर है ना ये कुछ जाली कागज़ बना के बन जाते हैं पास थोड़ी होता है कोई। तो फिर मैं कैसे हो गया क्या क्या हुआ था? क्या बना मैं पास हो गया मैं बारहवीं में पास हो गया मैं बारहवीं में पास हो गया मैं लाइको बैठे रहो मैं चला। तेरे ये कैसे पास हो गया चल कैसे पास हो गया
वेले आदमी टाइम होता नहीं मुझे पिलाते खेलो 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 छेटो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे कामयाब हुए और नहीं तो क्या बारहवीं पास करना कोई मजाक की बात पूरे पिंड के लोग परेशान हैं कि ये पास हुए कैसे और आपके बच्ची तो ऐसा लगता है कुछ दिनों पहले ही नाक सुड़कती फिरती थी अब बारहवीं पास कर गई आप ना बैठो मैं चाय बनाती हूँ चाय लेके दरअसल बात ये है कि शाम के वक्त ना मैं रोगन जोश और रिश्ता बनवा रही हूँ तो मैं सोच रही थी कि हम सब मिलकर साथ में बैठकर खाएंगे हैं मजा आएगा बड़ा दिल तो बहुत कर रहा है लेकिन क्या करें वहाँ पे भी सारे आ रहे हैं ना मुबारकबाद देने के लिए इस जाना ही पड़ेगा चाय चले चाय हाँ चाय तो बन रही और हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है बच्चे कामयाब हुए हैं तो उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ कम्बल और मिठाई गरीबों में बांट देंगे गरीबों की दुआएं भी मिल जाएंगी और बच्चों की हौसला अफजाई भी होगी ये तो बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी आपको भी आना होगा सब आएंगे अस्सलाम वालेकुम प्रजाई जी वालेकुम सलाम आ गया तू जी मुबारकें बड़ा आगे हो गया चल अब मेरे लिए भी ना एक सोना जैसा सूट सिलवा देना क्या प्रजाई जी आप भी हाँ नहीं तो मुझसे कुछ छुपा है क्या अच्छा आप आ रहे हो प्रोग्राम में और नहीं तो क्या तेरी वाली भी आ रही है पास हो गई है देखो तो सही साथ में दोनों दिखते कैसे हो चल मैं बाहर ना चाय देकर आई तेरे लिए भी खाना लगा देती हूँ तू मान या ना मान वो तेरे को बड़ा लाइक करती है तुझे क्यों लगता है ऐसा मैं बताता हूँ फेसबुक पे है मेरे साथ हो किसी एंजल प्रिंसेस के नाम से आईडी बनाई है फोटो भी करीना की लगाई हुई है बहुत पुष्टि है तेरे बारे में हो ना हो मुझे लगता है पूरा शक है कि वही है चलो चल भाई आजा होगी रब की दुआ तेरी अब क्यों दिया कल जा रहा है जी भैया अच्छा कैसे जा रहा है मैं बस अड्डे से बस ले लूँगा चल मैं छोड़ देता हूँ मोटरसाइकिल पे चला जा रुको तुझे पता तो अभी क्या था कहाँ लेके जा रहा है आज आज चुप नहीं हो रहा तुझे मैं रुक ओ भाई साहब ऐसे कैसे तुम लड़कियों के रूम में घुस सकते हो लड़कियों का रूम क्या मतलब कॉलेज है कोई भी आ सकता है वो तो उसे कुछ बात करनी थी ओ तुम्हें बात करनी है और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो तीन साल से कैंटीन चला रहे हो यहाँ पे मैं और पता नहीं ना पता चल जाएगा चल तू बोल क्या बोल ना क्या बोल अरे बोल तो सही नहीं मुझे अरे जो बाहर बोल रहा था बोल तो दे मैं कुछ नहीं बोल रहा इतना बड़ा फट्टू है तू बोल तो दे सो प्यार का ओए फिरोज बेटा इधर इधर आना ओहो क्यों बुला रहे उसे यहाँ इतना बड़ा पंगा पड़ गया कोर्ट तक बात पहुंच गई है और आप उसको बुला रहे हो बातें करने के लिए अरे बात करनी है बहुत जरूरी बात करनी है भाई वॉल्यूम कम करो हाँ आवाज भी बंद कर दी देख बेटा
अब बारहवीं हो गई है, अब मोहल्ले वाले भी इज्जत करने लग गए हैं, इसलिए हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया भाई। हाँ मतलब बताया नहीं अबू जी? पर मुझे कौन सा बताया था, ये गले मरते मेरे। चुप करोगे? लेकिन अबू जी मैं सोच रहा था अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो दो चार साल रुक जाते तो तेरे वाली है। बात तो ठीक कह रहा है तू पुत्र, हम तो रुक जाते लेकिन हम क्या करें, उन्हें जल्दी पड़ी है ना, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। चलो कोई नहीं, फिर एक काम करते हैं जी, हम कोई दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। नहीं, 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 अब आप लोगों ने सोचा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मैं तो बस ऐसे ही। चल ठीक है, भाई मुंह मीठा कराओ, जरा हलवा वलवा बनाओ, जल्दी करो। अभी लाती हूँ। ला ला ला। अच्छा आवाज कर दे इसकी। हाँ जी हाँ जी, लो आवाज। क्यों नहीं करनी तूने शादी? शादी नहीं करने तो क्या करने तूने? कंसर बना रहा तू? ओके बोला ऐसे बिकिन से समझ में आ कर, समझ में आ कर, समझ कर से लावा चाल घुमा। आ के देख भाई, अरे चुप करो, चुप करो। फोन है? हाँ जी, सब हो जाएगा। यूं समझ लो आपका काम हो गया, मैं कल सुबह आके आपके यहाँ चाय पीने वाला हूँ, ठीक है? हाँ जी आप बोलो। ओ वो केनिसवन में रहना शुरू खान रवान करन के मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। क्यों नहीं करनी तूने शादी? हां जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहना है? खुश नसीब होती है वो लड़कियां जिनके घर में खुद रिश्ते चलकर आते हैं। देख मैंने रिश्ते के लिए हां कर दिए, मैं तेरी ज्यादा बकवास नहीं सुनने वाली। ऐसे कैसे कैसे आपने हां कर दी? मतलब मुझसे बिना पूछे मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी? नहीं करनी तो ना, और आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकती। अबू आप ही समझाए अम्मी को। तो उसकी नहीं है मर्जी तो जाने दो ना, मैंने कहा था तुमसे। कहा था ना, एक बार पूछ लो इसे। अब तो ये नौबत आ गई कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी पक्का नहीं कर सकती। पहले ही बोला था इसे पढ़ाओ नहीं, तुम्हें ज्यादा पढ़ी हुई थी, पढ़ा लिखा कर इसे काबिल बना दे ताकि अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सके। लो ये कर लिया इसने अपनी जिंदगी का फैसला। हाय मैं कहूँ क्या हो गया इसको, मुझे बताओ उस लड़के में क्या कमी है? देखो जी देखो उसकी मीट की दुकान भी है। लो बोलो, हाँ बारहवीं पढ़ा हुआ है वो लड़का। नहीं कर रही। बारहवीं किसकी बात कर रहे हैं आप? एक ही तो लड़का है इस मोहल्ले में जिसने बारहवीं पास की हुई है। अरे उसकी नई मर्जी तो जाने दो ना। अरे नहीं अब्बू मैं तो ऐसे ही, अब अम्मी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना, मैं तो ऐसे। चलिए ना आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप बैठे अम्मी मैं खाना लगाती हूँ। लो जी पियो ठंडा ठंडा शरबत। आज ना जी ड्रामा देखने में ना मजा ही आ गया। आपको पता है जो ससुर और सास है ना, उन्होंने बहू के साथ क्या किया? धमकी दे दी उसको कि सीधा कोर्ट ले जाएंगे तुझे। चुप कर अकेले अकेले देख लिया ना ड्रामा। अरे तो मैंने देखा तो आपका ही फायदा है। कैसे? अगर मैं नहीं देखती तो आपको कहानी कौन बताता? अब मैं बताती हूँ ना आपको क्या हुआ एपिसोड में। बताओ। देखो जी सास और ससुर अपने कमरे में से निकले, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछो। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? नहीं वो मैं तो आपको पहले से ही पसंद करती हूँ। पता है मुझे पता है, वो आपका स्कूल में चुप चुप के देखना, मेरे घर के बाहर आना, मेरी फ्रेंड्स मुझे सारा कुछ बोलती थी। और पता है आपको, मेरी फ्रेंड्स आपको लेके मुझे इतना चिढ़ाती थी, आपका जब भी आप आते थे वो कहते वो देखो आगे। और पता है वो आसिया है ना मेरे से इतना जलती है ना, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता कभी। पता है अब कर भी नहीं सकती ना कुछ वो, क्योंकि अब तो हमारी शादी हो गई है ना। लेकिन आपने कभी बोला नहीं ना। मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला है ना, अब बोलो। अब तो शादी हो गई। तुम्हें यकीन नहीं है कि हमारी शादी हो गई? For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.